नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला के गांव सेखा में गत दिनों हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, घायल दामाद ही निकला कातिल। मोगा में चिट्टे के नशे के दलदल में फंसी एक लड़की को निकाला बाहर, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण चक्की दरिया में आया उफान, पुल के 2 पिल्लर पानी की चपेट में आने के बाद प्रशासन ने आवाजाही की बंद। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला जिले के गांव सेखा में मंगलवार देर रात घर में घुसकर अज्ञात लोगों ने हरबंस कौर और उसकी बेटी परमजीत कौर का कत्ल कर दिया था और घर जमाई के तौर पर रह रहे राजदीप सिंह को जख्मी कर दिया था। बरनाला पुलिस ने इस दोहरे कत्ल कांड की गुत्थी सुलझा ली है। घटना में जख्मी हुआ दामाद राजदीप ही सास और पत्नी का कातिल निकला, जिसने जमीन और पैसों के लालच में वारदात को अंजाम दिया। जख्मी राजदीप के घटना के साथ बयान मेल ना खाने पर पुलिस को संदेह हुआ था। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी बरनाला संदीप कुमार मलिक ने बताया कि आरोपी दामाद ने पत्नी और सास की तेजधार हथियार से हत्या कर दी और बाद में सीसीटीवी कैमरे छिपा दिए। इसके बाद उसने घटना को डकैती का रूप देने के लिए घर की अलमारियों से गहने और पैसे छुपा दिए। उन्होंने बताया कि घटना में डीवीआर के कुछ उपकरण और हथियार भी मिले हैं। पुलिस अभी भी मामले की गहनता से जांच कर रही है। आरोपी फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती है और पुलिस रिमांड पर आने के बाद इस मामले में और भी खुलासे होंगे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। एक लेडी जो हरबंस कौर, जिन्हां दी उम्र कोई 65-70 साल, उन्हां दी डॉटर परमजीत कौर ते उन्हां दा डॉटर दा हस्बैंड, मतलब उन्हां दा जवाई राजदीप सिंह, वो उस घर दे विच रहिंदे सीगे ते वो रात नूं जो राजदीप सिंह ने सानू इनिशियली दस्या, जो कि अकेला इस वारदात दे विच बच गया सीगा, हू वॉज अंडर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, इनिशियली उन्हें सानू दस्या कि रात नूं लेट नाइट 7-8 बंदे घर दे विच जबरदस्ती घुस के उन्हां दे कोल शार्पेस्ट वेपन सीगे, जिहदे नाल उन्हां ने उन तीनां ते वार करता। जदों वार किया तो दी लेडी सकम टू दी इंजरीज ते उन्हां दी डैथ हो गई। फिर जदों तफ्तीश की गई है तो फिर सानू पता लग गया है कि ये जो वारदात है, ये राजदीप सिंह जो है वही इहदे विच एक्यूज्ड है। इनिशियली ही ट्राई टू कन्फ्यूज द पुलिस कि ये दूजियां दी कॉन्सपिरेसी किसी अननोन ते पा दे, बट इन्वेस्टिगेशन जो कि बड़ी प्रोफेशनली साडी टीम्स ने कीती, द स्टोरी अनफोल्डेड कि इन्हें रात नूं 12-1 बजे खुद ही इस वारदात नूं अंजाम दिता शार्प एज्ड वेपन्स दे नाल, ते उन दोनों दी डैथ दा कारण यही हैगा। जो फिर उस तो बाद इन्हें प्लान करदे हुए उत्थे जिहड़ा डीवीआर सीगा उन्हूं भी बंद करता ते छुपाता, ते घर दे विच जिहड़ी भी अलमीराज दे विच कोई ज्वैलरी वगैरह जो भी कोई एक्सपेंसिव आइटम सीगे उन्हां नूं भी इन्हें छुपाता, ते ताकि सानू ते लोकां नूं ये स्टोरी दिखे कि भी कोई उत्थे डकैती करन दे तरीके नाल एंटर होया, मंशा डकैती दी सीगी एंड जिहदे विच वारदात दे दौरान उन्हां ने दोनों लेडीज का कत्ल करता। सर, इसे दस्सें कि ये कत्ल क्यों किया जी, उन्हें किस कारण किया? ये बेसिकली जी ये पैसा और जमीन दे कारण ओदे लालच दे विच ही किया। चिट्टे के नशे के दलदल में धसने वाली लड़कियों की लाइन लंबी होती जा रही है और कई लड़कियों को चिट्टे का सेवन करवाकर उनसे जबरदस्ती देह व्यापार का धंधा भी करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोगा के बुकनवाला रोड पर सामने आया है, जहां एक लड़की को नशे की हालत में कुछ महिलाओं ने एक गिरोह से बाहर निकाला है। पीड़ित लड़की ने बताया कि वह गांव तरखान वध की रहने वाली है और उसे सुखदीप सिंह सुखा नामक एक लड़के ने सुमनदीप कौर और मंगा सिंह के पास घर का काम करने के लिए भेजा था। जब वह खड़ी होकर रो रही थी तो एक महिला ने उसे रोने के बारे में पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी उसे बताई कि किस तरह उसे चिट्टा खिलाकर चिट्टा बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और उससे देह व्यापार का धंधा भी करवाया जा रहा है।
वहीं इस मामले में जब थाना प्रभारी अमनदीप कंबोज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लड़की के बयानों के आधार पर सुखप्रीत सिंह सुखा, सुमनदीप कौर के अलावा मंगा सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। मैं ना एक किसी के जंगल च फस गई हाँ, तो मैनू दो आंटियां कढ़ के लियाईया ने, मैं उन्होंने दसिया, मैं उपर खड़ी रो रही सी, तो आंटी ने मैं नीचे आवाज मारी, कहती बेटा की हो गया, तो फिर मैं उन्होंने दसिया कि आंटी आ गल है, इन्होंने मैं धक्के ना रखा होया, ना मैनू घर जान देंदे, ना मैं कितने होर निकल देंगे। तो आंटी कहती कोई गल नहीं, कहती बेटा मैं तेनों कड़ दिनी, कहती इदा दी कड़ी गल है। मैं तकरीबन एक महीना पहला मोगे आई हाँ, तो मैं मोगे के नेड़े पिंड तो बिलोंग करती हाँ, इन्हों को मैनू किसी के थ्रू भेजा गया सीगा, मैनू किसी मुंडे ने भेजा सीगा इत्थे कि वह इदा घर के काम करवाणगे तेथों, पर मैनू ये नहीं पता सी कि मेथों गलत काम करवाणगे। तो इन्होंने मैनू अज तक ना मेरे घर कोई पैसा दिता, तो ना ही मैनू कदे पैसा कोई दिता, तो मैनू निकलन भी नहीं दिता, मेरा फोन भी खो के रख लिया। इन्होंने ये रेंदे आ बुकन वाला रोड ते खंडा टेंट हाउस के सामने। की गलत काम हो रहा है? ये मेरे शरीरिक शोषण करवांदे रहे, नशा भी बता रहे। हाँ जी, नशा चिट्टा बकांदे रहे, ते बेचते भी है, आप पींदे भी है, दोनों जने। कित्थों लियांदे सी? ये फरीदकोट साइड तो भी लियांदे आ, ते इत्थों भी लैंदे आ, नगाह रोड ते मुंडा एक बेचदा वा, ते उंदा भी मैनूं घर पता है। देखो जी, अपने कोल इक लड़की दा मामला जो आया, वह कुछ मोहतवार लेडीज़ उन्हों लड़की नू लेके आईया सी, ते लड़की दे नाल जो उन्हां दस्या कि मैं किसी दे मकान दे विच उत्थे रहिंदी सी, जिन्हां ने उन्हों नशे ते भी लाया, ते उस तों बाद जिसम फरोशी दा धद्दे दे विच उन्होंने पाया, ते जिस ते असीं उन्हां दा बयान लिख के ते कार्रवाई कर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ 376 370 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦਾ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण जहां हर तरफ जलमग्न हुआ है, लोग पानी के कारण त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं पठानकोट हिमाचल नेशनल हाईवे भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कुछ समय से पठानकोट हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की दरिया पर बने पुल के दो पिलर पानी की चपेट में आने के बाद प्रशासन ने इस पर आवाजाही बंद कर दी और इन पिलरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया था, लेकिन पहाड़ों में अब फिर हुई तेज बरसात के कारण एक बार फिर काम अधर में लटक गया है और वाहनों का आना जाना पूर्ण तौर पर बंद कर दिया गया है। लोग पुल के ऊपर से सिर्फ पैदल ही गुजर रहे हैं या फिर करीब 30 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय कर पठानकोट पहुंच रहे हैं। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। की नाम तो है? मेरा नाम राणा। राणा, की समस्या आ रही है? समस्या रोज ही भी आना जाना, रोज सानू बड़ी दिक्कत होन देदी है, ते की नाम दा रोज उधर जाए तो कोई 20-25 किलोमीटर है आगे, इधर रोज जाने पैंदा सानू। ते की कारण क्यों बंद करन दा पुल? ਬਰਸਾਤੀ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੱਗੇ। पंजाब के बॉर्डर के एरिया पर है, काफी समय से बंद है, जिसका कारण की हमारा जो हिमाचल और पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है, एक हाईवे है, ये बंद पड़ा हुआ कई दिनों से। मुझे नहीं पता कि किस कारण से, इतना पता है कि बंद पड़ा हुआ है, इसे विभाग कोई भी मेरे हिसाब से जो विभाग है उसका सोया हुआ है एक तरफ से। दूसरा बात यह है कि यहाँ जो भी है आने जाने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हर हमारा पठानकोट में
नजदीक में अनाज मंडी वगैरह जहाँ मंडीकरण करना पड़ता है हमारे किसान भाई हैं, तो तभी भी दिक्कत होती है यहाँ से आना जाना, सभी उधर हिमाचल वाले बंद करते हैं, इधर पंजाब वाले। पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म मलेशिया की ओर से 6 द्वितीय श्रेणी के शहरों में भारत के लिए अपना दूसरा रोड शो रखा है। ये रोड शो अमृतसर शहर से शुरू होगा और उसके बाद लखनऊ, नागपुर, पुणे, गोवा और कोचीन में शुरू होगा। पर्यटन, कला और सांस्कृतिक उप मंत्री वाई बी तुआन खैरुल फिरदौस अकबर खान के नेतृत्व में इस रोड शो में 45 स्थानीय संगठनों ने भाग लिया, जिसमें पर्यटन उत्पाद मालिक, वीजा सलाहकार मलेशिया स्थित एयरलाइंस और प्रतिनिधि व राज्य पर्यटन बोर्ड शामिल हैं। 2 सप्ताह तक चलने वाला रोड शो बिजनेस टू बिजनेस स्रोतों, सेमिनारों सहित नेटवर्किंग कार्यक्रमों से भरा हुआ है और शादी, गोल्फिंग, फिल्मांकन और खरीदारी जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इस वर्ष मलेशिया वर्तमान में ₹49.3 बिलियन पर्यटन प्राप्तियों के साथ 16.1 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य बना रहा है। भारत मलेशिया में पर्यटकों के आगमन में योगदान देने वाले शीर्ष देशों में बना हुआ है। 2022 में मलेशिया ने कुल 3,24,548 भारतीय पर्यटकों का स्वागत किया, जबकि 2023 की पहली तिमाही में मलेशिया में पिछले वर्ष की समान अवधि में 13,370 की तुलना में 1,64,566 भारतीय पर्यटक आए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम पूनम नौटियाल है, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ टूरिज्म मलेशिया में। ये हमारा सेकेंड सीरीज रोड शो है जो कि हमने अमृतसर से शुरू करा है। इसके बाद हम लखनऊ, पुणे, गोवा, कोची भी कवर करेंगे, नागपुर। 6 सिटी का रोड शो है और इसमें हमारा मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म मलेशिया को यहाँ प्रमोट कर सकें इंडिया में, और उसके वजह से जो अराइवल्स है वो बढ़ सके। और अभी हमारे यहाँ हम लोग 158 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी एयर एशिया अमृतसर से 4 फ्लाइट शुरू करिए 3 सितंबर। तो इस रोड शो का पूरा जो मकसद हमारा है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मलेशियन DMCs जो हैं, जो ट्रैवल पैकेजेस बेस हैं, उनसे यहाँ के लोकल एजेंट मिल सकें, होटेलिया से मिल सकें और नए प्रोडक्ट्स के बारे में उनको पता चल सके। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीरो रिजाल अब्दुल रहीम। आई एम अ सीनियर डिप्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल प्रमोशन डिवीजन टूरिज्म मलेशिया बेस्ड इन पुत्रजाया कुआला लंपुर, पुत्रजाया मलेशिया। द रीज़न आई बीइंग हियर इज़ बिकॉज़ Not only me, all the delegates, 36 delegates coming from Malaysia just come to Amritsar and other 5 cities to promote Malaysia and introduce some of the products that are really available to India market. As I mentioned earlier, India is our very important market. Very important market after ASEAN country, our neighboring country. Then for the medium haul, India is one of the very important market that contribute a lot for our tourism industry. For the student, not only for came to get to leisure, but also for studying. Well, now you can see a lot of students going outside to get new knowledge, new everything, new learning every day. So that's why we have our one division we put in Chennai from the Education Malaysia under CG office. They are the one who taking care of everything regarding the students affairs, universities and college. माँ बंगलामुखी धाम नज़दीक लम्मा पिन चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान जानू से दिव्य हवन यज्ञ में आहुतियाँ डलवाई। नवजीत भारद्वाज ने कहा कि हवन यज्ञ करने का यह पावन दिन भक्तों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी है। दिव्य हवन यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि हमेशा समय एक सा नहीं रहता,
बुरे वक्त में कोई अछूता नहीं रहता। वहीं उन्होंने कहा कि दुख में जो साथ देता है उसका सहयोग निस्वार्थ होता है और जब दुख की रात्रि व्यतीत हो जाए तो सुख की उजली सुबह आ जाए तो दुख के साथी पर अच्छा वक्त परवान कर देना चाहिए। आज महामाई को पंचमेवा के भोग अर्पित किए गए। माँ बंगलामुखी जी के जय घोष से सारा वातावरण गुंजायमान हुआ। इस अवसर पर रविंद्र बांसल, एडवोकेट राजकुमार, राकेश प्रभाकर, अमरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा जोशी, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, दिशांत शर्मा, जसविंदर सिंह, संजीव, राजेश महाजन, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, विनोद खन्ना, राजीव, मनबीर, मनदीप, राकेश, विशाल कोहली, ठाकुर बलदेव सिंह, लक्की, सुमी भानु मल्होत्रा, सुनील जग्गी, प्रिंस दिनेश चौधरी, पंकज, साहिल, मनी सिंह, पप्पू, दीपक, मंजीत सिंह सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ये कोई ना कोई गलबात होती है, सो आज का जिहड़ा भाव है कि किसे दा अपना तुहाडा कोई साथी है उहदा बुरा टाइम है, समय अच्छा नहीं है, पर तुहाडा टाइम बहुत वधिया है। अपना अच्छा टाइम उस साथी दे बुरे टाइम दे लई लगाओ तां जो उहदा समय अच्छा हो सके। कई लोग देखते हैं कि इहदा समय बुरा हो गया, छोड़ के अगला मित्र नहीं, जदों तुहाडे मित्र सखा कोई तुहाडा वैल्यूशर है उहदा समय अच्छा नहीं हैगा, उहनूं उस टाइम ते छड्ड के नहीं आना। मैं एक चीज़ होर कहनी चाहुंदा कि लोग आते जाते रहनगे, भगत आते जाते रहनगे, समय उत्ते थले हुंदा जाएगा, पर तुहाडा जिहड़ा प्यार है वह माँ बगलामुखी जी के नाल होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के नाल नहीं होना चाहिए। मैं होव ना होव, कोई होवे ना होवे, कोई ब्राह्मण होवे ना होवे, ये पत्ते है, पुराने पत्ते घट जाते हैं, नवे पत्ते आ जाते हैं। तुम पेड़ का पत्तिया का प्यार नहीं करना, तुम माँ बगलामुखी जी का प्यार करना, और कभी भाव मन च नहीं रखना कि फलाना बंदा आया नहीं, मैं तो वह साथी सी मेरा, नहीं, कोई किसी का साथी नहीं। जिस माँ के पेट चो जन्म लिया गर्भ चो ओदा भी साथ थोड़े टाइम लिए है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, दोपरान जाना ही पता। ये पंचभूत का शरीर है, ये पंच तत्वों को इतने बनिया, पंच तत्वों से इतने विलीन होना। ओम ह्रीं बगलामुखी संतुष्टाणां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिविनाशिनो। ओम ह्रीं बगलामुखी संतुष्टाणां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिविनाशिनो। ओम ह्रीं बगलामुखी संतुष्टाणां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिविनाशिनो। ओम ह्रीं बगलामुखी संतुष्टाणां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिविनाशिनो। ओम ह्रीं बगलामुखी संतुष्टाणां वाचां मुखं स्तुतिभ्यां मिलय बुद्धिविनाशिनो। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में संक्रांति का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की ओर से कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान एवं पार्षद मदन लाल खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उप प्रधान राकेश लोच, उप प्रधान प्रदीप कुमार थापा, अनुराग खिंदर, उप चेयरमैन स्वर्ण यादव, सचिव सतपाल पाला, महेश अंगुराल, ओम प्रकाश लोच, तरसेम लाल कलरूपिया, मदन लाल वसन, चमन लाल राजकुमार जिसम, रमेश कुमार दीवानचंद, अमरनाथ भंडारी, बलबीर लोच, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, रानी लोच, उषा लोच, सुमन लोच, राज रानी खिंदर, बेबी डालिया, शोभा मीनिया, सावित्री देवी, कौशल्या बब्बो, अरुणा लोच सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट।
गुरु दरबार बैठी गुरु ग्रंथ साहब साहब जी अज संक्रांति का पवित्र दिहाड़ा है। सारिया ही संगत सतगुरु रविदास महाराज के चरणों के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने वास्ते पहुंचे हैं। अज भादरों महीने की शुरुआत हुई है और महीने का नाम साढ़े गुरु ग्रंथ पाठी आदमी गुरदयाल बयान जी उन्होंने बाणी का जो शब्द लैके अज का सत्संग सारी संगत में सरबित कराया। तो गुरु के शासन की असं हमेशा सर्वों वालों बेनती करते हैं और कभी रहना है क्योंकि हर सगा जी गुरु घर के मनाई जाती है क्योंकि साढ़े गुरु घर के प्रधान मान जो मतलब और सारी सभा ना लैके इसकी सभा ना लैके उन्होंने फैसला किया कि हर महीने की संगरान जी है गुरु घर के मनाई जाएगी और रोट लंगर भी लगाया जाएगा। सो इस तरह अज का जो नव महीना चढ़िया है संगरान वजों अब गुरु घर के दिन मनाया गया। सो जो भी संगत गुरु घर के लिए पहुंचे हैं सारे का वेलकम किया है। संक्रांति के शुभ अवसर से गुरु घर पहुंची गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी का गुरु घर विचार से पूरी समूह सभा वालों हार्दिक अभिनंदन आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतने बधाई गुरु ग्रंथ साहिब जी तुम सारे ने अज भादरों महीने की संग्रांद का अपने गुरु घर नाम पाठी द्वारा नाम पढ़िया गया उन्होंने बड़ा ही विस्तार पूर्वक आप जी को भादरों महीने की अहमियत बारे समझाया। इस महीने के जो मैं पाठी साहब के सत्संग चो सुन लिया मेन तौर पर उन्होंने गुरु और शिष्य के रिश्ते को ही संबोधित किया है। असी सारे गुरु वाले और गुरु के चरणों में ही रह के अपने जीवन सफल कर सकते हाँ यही मूल मंत्र है इतों के पाठी साहब द्वारा दसी हुई अब की जी भी आपने तो सुनिया है। असी गुरु घर में चाहते हाँ तो गुरु घर के सारे ही जो संगत है वो अपना कोई ना कोई विचार कोई ना कोई गुरु महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा लेके आती है और गुरु महाराज की श्रद्धा को पूरी भी करते हैं। ताकि इस तरह के जो संगत है गुरु दरबार में आती रहे गुरु महाराज की सेवा करती रहे और गुरु महाराज जो आशीर्वाद है प्राप्त करती रहे। शिवाला गंगाराम अमृतसर में विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए शिव शक्ति महायज्ञ करवाया गया। इस अवसर पर पंडित रमाकांत द्वारा ये यज्ञ किया गया। इस दौरान 11 यजमानों ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मंत्रोच्चारण के साथ इस हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर प्रधान अमन मेहरा, प्रचार मंत्री यशपाल, कपिल बोहरा, ऋषि कपूर, विक्रम कपूर सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमन मेहरा, प्रधान शिवाला गंगाराम, आज विश्व शक्ति यज्ञ अमृतसर शिवाला गंगाराम से संपन्न किया गया है। यज्ञ किया गया है, उसके बाद भंडारा किया गया है। शिवाला गंगाराम जरा अमृतसर का प्राचीन शिवालय तकरीबन 200 साल पुराना शिवालय और इतने हर साल सावन के महीने खत्म होने तो बाद संक्रांति विश्व शांति कल्याण हेतु
एक महायग का आयोजन किया जाता है जिस कई थावां तो लोग आके यग से शामिल होंगे जरा कि यग दो दिन का होंगे तकरीबन 12 घंटे कंटिन्यूस यग करना पैदा और ये आदमी जरा यज्ञ करता है उन्होंने पूरी तरह वर्ती रखना पैदा इस उपराले पिछले 200 साल तो परंपरा चली आ रही है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी के तहत एक नूर वेलफेयर सोसाइटी शास्त्री नगर दानिशमंदा रोड चालंदर से प्रधान प्रदीप खुल्लर की अध्यक्षता में प्रभात फेरी बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई जो कि इलाके की परिक्रमा कर आरती के साथ सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हमारे सभी महापुरुषों में सभी गुरु जो आज संसार में अजर अमर हैं, कोई अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के नाम नहीं जानता है। परदादा का क्या नाम है, परदादा के परदादा का, उसके परदादा का क्या नाम है, आज किससे पूछते देखिए। कुछ ऐसे भाग्यशाली होंगे जिनको अपनी तीसरी चौथी पहली पीढ़ी की जानकारी होगी, पर जिन्हें नाम क्या है सतगुरु नानक महाराज जी ने क्या जिन्हें मैंने कोई भी जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का। कई बार लोग कहते हैं भेदभाव ना, परमात्मा के घर में कहाँ भेद है। भेद तो हम लोगों ने संसार के कुछ भूले भटके लोगों ने पहचान किए हैं। झूठे भेद शबरी के खाए बहुत ही भोग निषाद राज को भगवान ने अपना मित्र बना करके भरे दरबार में उनको भले लगाया। माँ शबरी को भगवान ने उस समय वो पद दिया, यश दिया, जब उस समय दंडकावन में बड़े बड़े ऋषि मुनि जो आज के युगों युगों से बड़े बड़े तप तपस्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उस समय प्रभु श्री रघुनाथ ने प्रेम की महिमा को प्रकट दर्शन पिता कहते हैं कि प्रेम की ओर तिन ही प्रभ पाएगा। जहाँ तो प्रेम की महिमा है, जहाँ सदा ही हमारे महापुरुषों ने गुरु ने प्रेम का संदेश दिया। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दामोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया।
जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों से महायज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मध्यसुदापति मणिमंडपरतनवेदां सिंहासनपरिगतां परिपीतवर्णं पीतांबरवर्णं देवी समानि धृतपुत्र वैदिकीवं स्वर्णासन संस्थः नमस्तु नमो नमः। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। दर्शन पाकर के आज गोपियों का जो हृदय है वह गदगद हुआ है। गोपियां अपने में मगन भगवान कृष्ण की लीला का यादगान करके गुणगान करके कैसे गौ सेवा करता था, कैसे गौ चारण को जाता था। जब उसको दिक्कत हुई, जो ब्रह्म है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, जब उस देवता को दिक्कत हुआ, सांवरिया को दिक्कत हुई, तो उसकी माता ने गौ माता के रज को मिट्टी को माथे पे लगाया और थोड़े से ही समय में उसका दुख दूर हो गया। जिस पर ऐसी कृपा गौ माता की हो, ऐसी उनके हृदय की भावना गौ सेवा के प्रति हो, आज गोपियां आपस में भगवान नाम में तल्लीन हो गई, समा गई है, प्रवेश हो गई और नृत्य करते करते उन्होंने देखा है कि हमारी जो संख्या गोपियों की थी आज तो कुछ संख्या कम दिख रही है। आपस में सखियां वार्ता करती हैं, बात करती हैं और कहती है कि जो मेरी सहेली सखी थी वो तो इस गोल में इस मंडल में दिखी ही नहीं थी। व्यासपीठ पर जो हमारे चित्रकूट धाम से आए हुए पूज्य श्री विपन विराट महाराज जी की विद्या मधुरवाणी का अपन सब लाभ प्राप्त करें। वर्तमान समय में हमारे देशवासियों को ऐसी ही भावमयी कथा सारू में कथा की जब से ये कथा का शुभारंभ हुआ है, जब जब भी हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे
कि एक भी शब्द हमने राष्ट्र के मुख से ऐसा नहीं सुना है कि जो कथा प्रसंग से हटके हो, भागवती से हटके। और यही एक व्यास परंपरा की महानता है। एक कथा होती है भगवान को जानने वाली और एक लोक जानने वाली, भगवान को जानने वाली कथा। और विद्यार्जन में इतना मेहनत परिश्रम किया है वो आज भारतवर्ष में व्यास परंपरा में विद्वानों की परंपरा में एक विद्यादान है। कौन परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामपद करे थे, उनके सन्मुख बैठ करके शास्त्रार्थ करना, उनको उत्तर प्रत्युत्तर दे करके उनका समाधान करना। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला के गांव सेखा में गत दिनों हुए डबल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, घायल दामाद ही निकला कातिल। मोगा में चिट्टे के नशे के दलदल में फंसी एक लड़की को निकाला बाहर, पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण चक्की दरिया में आया उफान, पुल के 2 पिल्लर पानी की चपेट में आने के बाद प्रशासन ने आवाजाही की बंद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।